छावानी से निवाली थाना प्रभारी सहित प्रधान आरक्षक को किया निलंबित। एसपी ने की कार्रवाई। वध हेतु ले जाए जा रहे पशुओं को जब्त कर गौशाला भेजने के बाद गौशाला से वापस चार पशु वाहन में भरते समय का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने की कार्रवाई। 14 मार्च को निवाली में हिंदू संगठन की शिकायत के बाद पुलिस ने रात में RTO बैरियर से पशुओं ने भरा ट्रक जब्त किया था, जिसमें 54 पशु बेरहमी से भरे हुए थे, जिनको जब वाहन से उतारा तो उसमें चार की मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी को गौशाला भेज दिया। लेकिन 17 मार्च को फिर एक पिकअप वाहन गौशाला गया, जिसके साथ निवाली थाने के प्रधान आरक्षक रामेश्वर पांडे भी थे। उस वाहन में चार पशुओं को भर लिया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया। इतना ही नहीं, वाहन के चालक से भी बात करते हुए उसका वीडियो बनाया, जिसमें उसने बताया कि थाने से बड़े साहब ने भेजा है, पशुओं को अमलनेर महाराष्ट्र ले जाने का बोला है। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने प्रधान आरक्षक को खरी खोटी सुनाई तो उसके बाद वो वाहन से पशु वापस उतार कर चल दिए। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो एसपी ने तत्काल SDOP राजपुर को जांच के आदेश दिए और जांच में सत्यता पाए जाने पर थाना प्रभारी केशव पाटिल सहित प्रधान आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सर, निवाली में कार्रवाई की गई है, क्या मामला था सर? दिनांक 14/3/2021 को RTO बैरियर के पास से थाना प्रभारी ने एक ट्रक गोवंश भरा पकड़ा था, इसमें 54 नग गोवंश थे, उसमें चार मर गए थे और 50 गौशाला में दाखिल किए थे। तो 17 तारीख को वो उन्हीं गौशाला में से चार बैल भरते हुए प्रधान आरक्षक रामेश्वर पांडे का वीडियो वायरल हुआ, जिसकी जांच सही पाई जाने पर उनके खिलाफ थाना प्रभारी और रामेश्वर पांडे के खिलाफ कार्रवाई की गई। किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? उसमें प्राथमिकी जांच की जा रही है और प्राथमिक जांच पूर्ण करके शीघ्र प्रेषित कर दी जाए और थाना SP साहब ने उनको लाइव टच कर दिया। सर, इसमें और भी कोई नाम आएंगे सामने? सर, नहीं, इसमें और भी नहीं। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।